नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। सोमवार को मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह हनुमान दादा के मेला स्थल ग्राम देवली खुर्द पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद का लाभ लिया। जनता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जनता प्रसन्न तो विकास ही विकास। उन्होंने बताया कि 800 करोड़ की ऐतिहासिक योजना के टेंडर हो चुके हैं, जल्द ही खालवा विकास खंड के खेत खेत में मां नर्मदा का जल पहुंचेगा। अब हर किसान साल में 3-3 फसल का लाभ लेकर उन्नत किसान बन सकेगा। उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही महती योजना की जानकारी से भी जनता को रूबरू कराया। क्षेत्र के युवाओं को फिटनेस का राज बताते हुए 4,50,000 की लागत का जिम सेट भी ग्राम में जल्द लगाने की बात कही। भाई साहब, आज आप यहाँ मेले में पहुँचे हैं, तो क्या है भाई साहब यहाँ मेले का कार्यक्रम? देखिए, मेले हमारे संस्कृति विरासत के बहुत बड़े प्रतीक हैं। मेले में केवल एक दूसरे से मेल मुलाकात ही नहीं, मेले में एक दूसरे का सुख दुख, कहाँ पर काम हुए नहीं है, सुख दुख की बातें, मेल मिलाप की बातें और संस्कृति की एकता के मेले प्रतीक है। आज ये बजरंगबली का मेला, जहाँ पहले हमें साईचर जी लाए थे और वो साईचर जी के नाम पर यहाँ पर पीने के पानी की हम टंकी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदिवासी भाइयों के जीवन में उनकी उन्नति के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, इस पूरे क्षेत्र में मां नर्मदा का पानी आ रहा है, टेंडर हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम प्रार्थना करके और काम शुरू करने वाले। यहाँ का एक एक खेत 3-3 फसल पैदा करेगा, यहाँ पर पीने के पानी से लेकर के, और 2 साल के अंदर एक भी घर हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो घर कच्चा होगा। मैं समझता हूँ कि इस देश के जब से आज़ादी मिली है, तब से पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने पीने के पानी, रोड, स्कूल, पाइपलाइन से लेकर के इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अभी आपने देखा ही होगा, मैंने आपसे निवेदन किया कि जो जो लोग मछली पालन का धंधा अपना करके और मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में केवल खालवा ब्लॉक है जहाँ 14-14 लाख के 2 एकड़ के तालाब फ्री में खुद रहे हैं। चाहे वो आदिवासी बंधु हों, चाहे वो अन्य जाति के बंधु हों, उन सबको ये सुविधा हमने दी है ताकि मछली पालन से भी अपने परिवार का लालन पालन पोषण वो कर सकें। रोड, बिजली, पढ़ाई, पानी, घर और साथ में सिंचाई, मैं समझता हूँ कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो हम सारी करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक धार्मिक संस्था का सवाल है, जहाँ लोगों की आस्था का केंद्र है हमारे बजरंगबली बाबा का, दादा का मंदिर, वहाँ पर चबूतरा निर्माण के लिए मैंने 50,000 अपनी तरफ से दिया है ताकि धर्म के प्रति आस्था भी जनता में बनी रहे और हम सब मिल करके इस गांव का कल्याण और लोगों का विकास करते हुए इस प्रदेश को और मध्य प्रदेश की हरसू विधानसभा को आगे ले जाएं, यही कामना हम करते हैं। ज्यादा बीमार हो गया था कि देरे गिन देरे। 5-5 किलो मुख्यमंत्री जी 1 रुपए किलो दे रहे और 5-5 रुपए किलो प्रधानमंत्री फ्री में दे रहे। क्योंकि उनको चिंता है कि मध्य प्रदेश सहित भारत के दूर दराज में रहने वाले हमारे गरीब बंधु, जब मेहनत मजदूरी अभी नहीं मिल रही कोविड के कारण, कोई भूखे नहीं मरना चाहिए, वो चिंता कर रहे दिल्ली में बैठ के। कोई हमारा बनवासी भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके माथे पर छत पक्की छत ना हो, जिसको मकान नहीं मिले, ऐसा एक आदमी नहीं रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास गांव गांव दे रहे हैं और 2 साल के अंदर एक भी घर तुम्हारे गांव में नहीं छोड़ेंगे जो पक्का नहीं होगा। ये पहली सरकार, ये पहले प्रधानमंत्री है जो गरीब की चिंता कर रहे हैं, गरीब की चिंता कर रहे हैं। केवल घर नहीं, केवल खाना नहीं, ये हमारी माँ बहने या बेटी। पहले जमाने में एक कुआं होता था गांव के बाहर, बेड़े के ऊपर बेड़ा रखकर जाते थे, पत्ता भी गिर गया, मेंढक भी उसी में, सांप भी उसी।